उठाना क्या गुनाह है क्या? पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है युवाओं की आवाज उठाना कोई जुर्म है, तो ये जुर्म मनोज मीणा 1000 बार करेगा। तुम्हारी ताकत है तो लगा लो तुमने। सरकार से तो तुम्हारी कहनी है, सरकार से कहने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि ये बच्चे हैं, इनकी मांगों को पूरी करने के लिए हम विचार करिए। हम भी सब किसान घरों के बच्चे हो, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। और आप पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रहे हैं छात्रों की आवाज को दबाने का, ये इतिहास में याद रखा जाएगा। सब ये गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं जो एक एक पैसा कर्जे पे लेके अपने जेवरों को गिरवी रख के इनके माँ बाप उन्हें जयपुर भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी आवाज को इस प्रकार से दबाना लोकतंत्र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है साथियों। और मैं कहना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से कि आप बिना सोचे समझे 50% आरक्षण का एक ऐसा बिल लेके आ गए जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का दमन करने का कार्य कर रहे हैं। आप पे छात्रों के हित में कार्य तो करे नहीं जाते, पेपर लीक आप पे रुकते नहीं है, भर्तियां आप पे होती नहीं है, और ऊपर से 50% आरक्षण के नाम पे आप इस बिल को लेके आ गए। आज राजस्थान के कोने कोने से ये पूरे युवा साथी शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन छात्रों को दबाने का कार्य कर रहा है, छात्रों को हटाने का कार्य कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, आप इन छात्रों को इतना कमजोर मत आंकिए। ये है युवा, युवा और युवा का उल्टा वायु होता है, और जो वायु तेज गति से बहती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। आपको पता है नहीं है, जानकारी कर लो एक बार आप। और साथियों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हमको यहाँ कोई जुर्म नहीं कर रहे, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम भारत देश के नागरिक है, हम अपनी मांग को यहाँ रखने के लिए पहुंचे। और भजनलाल सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा दो पक्षों को सुना जाता है, आप खुद ने निर्णय कर लिया, आप ये बिल लेके आ गए, कभी आपने किसी भी एक भी युवा से पूछा ये बिल उनके हित में है या नहीं है? मेरे को पता, पूछा सरकार ने किसी से? मनमर्जी से बिल तैयार किया। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है। हम भजनलाल जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप 5 लोगों को बुला के एक बार बेरोजगार छात्रों का, BFCC छात्रों का एक बार इस मुद्दे पर उनका पक्ष जान लीजिए, उसके बाद आप जो करना है वो कर लेना, लेकिन बिना पक्ष सुने, बिना हमारी दलील सुने आप इस प्रकार से जो तानाशाही कर रहे हो, जो तुगलमी आपने फरमान निकाला है, इसको हम हरगिज भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि साथियों हमारे लोगों को बिना पूछे ही सरकार कुछ भी कर रही है, और ये न्याय थी इस सरकार